वेलकम बैक। हम लोग आज डे सिक्स शुरू कर रहे हैं, चैप्टर टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। डे फाइव में मैंने आप लोग को जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसका बिगनिंग बताई थी, कैसे किया था, और क्वांटम नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। थोड़ा तो समझा दिया था, लेकिन मैंने कहा था मैं फिर से आप लोग को एक बार और रिफाइज करूंगा। तो ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स एक बार और उसको देख देते हैं, कैसे उनकी नंबरिंग होती है। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट। अब मैंने आपको बताया था कि चार क्वांटम नंबर्स हैं, एन, एल, एम और एस। एस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती थी, हमने लास्ट क्लास में बताया था, 1, 2, 3, 4। अगर ये 1 है तो एल की क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 0 से 1, 2, 3, तो 0 से n-1 तक, तो ये 0 ही हो सकती है। M की वैल्यू दैट इज ML एजीमुथ की वैल्यू माइनस L से लेके प्लस L, माइनस 0 से 0, 0 ही हो सकती है। और इसको हम बोलते हैं S ऑर्बिटल, आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका नाम हो गया 1s, क्योंकि ये N की वैल्यू 1 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया, n की वैल्यू अगर 2 हो तो क्या होगा, l की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1, तो एक वैल्यू 0 हो गई, एक वैल्यू 1 हो गई। तो यहां पे अब 2 l की वैल्यूज पॉसिबल। 0 के लिए तो जो हमने पहले बताया ये भी 0 हो जाएगा, ये इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, इसको हम बोलेंगे 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू जो है 3 हो सकती है, -1, 0, +1, ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 ऑर्बिटल्स, इनको हम बोलते हैं 2p ऑर्बिटल। और डिपेंडिंग ऑन दिस एक px हो जाएगा, एक py हो जाएगा, एक pz हो जाएगा। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 2+6 तो आपका 8 होगा। नाउ कमिंग n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 पॉसिबल है, 0, 1, 2। 0 वाला तो जैसे हमने पहले किया था सेम हो गया, कोई चेंज नहीं। 1 वाला फिर से एक बार समझा देते हैं आपको, 1 में क्या हो सकता है, -1, 0, +1, 3 ऑर्बिटल्स, लेकिन ये 3p होगा, ये 2p था, क्यों, क्योंकि ये थर्ड का है, n की वैल्यू 3 है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नाउ अब आ गया हमारा l की वैल्यू 2, जिसको हम बोलते हैं d ऑर्बिटल। तो d में 5 क्यों होते हैं, क्योंकि m की वैल्यू जो है आपकी -2, -1, 0, +1, +2, 5 हो सकती है, 5 हो, 3d हो गया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5 × 2, 10, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। अब n को 4 ले ले, 0 आपको समझा ही चुके हैं, डिफरेंस क्या है, ये 4s हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 1 ये आपको समझा ही चुके हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, ये 4p हो जाएगा, 3p की जगह, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 समझाया था, एक बार और फिर समझा देते हैं, जो d ऑर्बिटल है इसमें क्या है, -2, -1, 0, +1, +2, कितने हो गए, 5, 5, इसको लेकिन 4d बोलेंगे, और ये 10d। इसमें जो फोर्थ वैल्यू पॉसिबल है वो 3 की, क्योंकि हमने क्या बताया था, L की वैल्यू 0 से लेके n-1, n 4 है तो 3 तक जा सकता है, इसको हम बोलते हैं F ऑर्बिटल। इसमें 7 हो सकते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, 7 हो गए टोटल, इसको हम बोलते हैं 4F, और इसमें टोटल कितने आ सकते हैं, 7 × 2, 14, इसमें आपके कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए, 30। ये केवल आपको अभी हम मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं,
कैसे NLM की वैल्यू भरी जाती है, और हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। क्लियर? इस तरह से आप 5 पे भी कर सकते हैं, 6 पे भी कर सकते हैं, आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन 5 से आगे हम लोग ज्यादा जाते नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं सब वहीं 6 तक खत्म होने लगेंगे। अभी हम देखेंगे कहां तक जाते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने आपको मैथमेटिकल बताया एन एल वैल्यू क्या होती है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स अपनी जगह है, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या है एन एल एम एस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन व्हाट इज दिस। आपको बताया था कि ये तीन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलते हैं, और उसके अंदर ये दो हर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है इसका, तो लेट्स डू दैट। पहला है n, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने आपको बताई थी 1 2 3 पूरे हम लोग डिस्कस कर, ये मैथमेटिक्स। लेकिन इसका ये क्या है, बेसिकली ये डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल। लार्जली नॉट एग्जैक्टली, इसीलिए साइज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका साइज क्या है। थंब रूल इज ऑब्वियसली ग्रेटर द नंबर बिगर इज द साइज। अब आ गया एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंट जिससे निकालते हैं, ये एल वैल्यू होगी। मैथमेटिक्स में हमने क्या बताया था, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, 0 से लेके n-1, राइट। लेकिन ये जो मेन चीज बताता है वो बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान, ये साइज, ये शेप, कुछ हद तक ये भी एनर्जी बताता है, लेकिन टोटल एनर्जी निकालनी है तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब एन प्लस एल रूल लगाएंगे जो भी हम इसके बाद करेंगे, दैट विल गिव अस द एग्जैक्ट। आपको इसको हम सब शेल बोलते हैं, इसको शेल बोल देते हैं, इसको सब शेल बोल देते हैं, ये नाम दिए हुए खाली। आ गया उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल, इसकी वैल्यू माइनस एल से लेके प्लस एल तक जाती है, अभी हम लोग डिटेल में कर चुके हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू। लेकिन ये क्या बताता है, ये बताता है जो इंपॉर्टेंट थिंग है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट। तो ये क्या बताता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ये क्या बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब स्पेस में किस एंगल पे लगा हुआ, स्पेशियल ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एस, ये बताता है कि एक ऑर्बिटल जो कि इन तीनों से मिलके बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। लेमैन टर्म्स में हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ कई लोग बोल देते हैं, अगेन एम्फसाइज कर रहा हूं, कई लोग बोल देते हैं कि एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। क्यों रोटेशन, ये अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है तो हम बता सकते हैं कि रोटेशन क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमारा पार्टिकल है ही नहीं, हम इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हैं, वेव फंक्शन से, तो वेव फंक्शन में कुछ होता नहीं है रोटेशन। तो ये आप समझ लीजिए एक इजी वे समझाने का है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों डिफरेंट हैं, उनका वेव एक दूसरे से डिफरेंट टाइप की वेव, केवल इतना समझ लीजिए, क्लियर। तो ये हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस। जहां तक एनर्जी का सवाल है जो अभी हम देखेंगे, वो इन दोनों से मिलके बनती है, n प्लस l रूल से मिलके बनती है। अब हम आ जाते हैं शेप के ऊपर, ये आपका 1s ऑर्बिटल है। अब हमने आपको क्या बताया था, अगर याद हो
probability of finding the electron is maximum in there. तो ये जो जितना डार्क स्पेस देख रहे हैं ना, जितना कलर डार्क है प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा है, जितना कलर कम होता चला गया प्रोबेबिलिटी वहां मिलने की कम होगी. 1s स्फेरिकल होता है, 2s भी स्फेरिकल है, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो एक रिंग, एक स्फीयर अंदर है, एक स्फीयर बाहर है, और उनके बीच में अगर देखेंगे तो यहां पे एक वाइट एरिया जहां पे आपको मेरा मार्कर दिख नहीं रहा है, राइट. इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड इसको हम बोलते हैं नोड्स. नोड्स क्या होते हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इन साइड द ऑर्बिट. तो ये एग्जैक्ट शेप है या जो निकलता है. अब इलेक्ट्रॉन इसमें यहां 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 कहीं भी हो सकता है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा रैंडम, नोबडी नोस क्या हो रहा है. हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, बट यहां बीच में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए. क्लियर, वो यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, और जितना डार्क एरिया है वहां पे उतनी प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाती है. एक्चुअली ये दोनों मिल के, प्लीज अंडरस्टैंड, 1s अलग नहीं है, 2s अलग नहीं है, बीच में क्या है यहां पे न्यूक्लियस. तो 1s के ऊपर 2s है, 2s के ऊपर 3s है, 3s के ऊपर 4s है, 2s के ऊपर 2p भी आएगा, सब एक के ऊपर एक होंगे. तो हम लोग जो अलग अलग दिखा रहे हैं केवल आपको ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाए इसलिए दिखा रहे हैं. एक्चुअली ये सब एक के ऊपर एक ऑर्बिटल्स. अब अगर इसको हम वेव, ये 2s को ही दोबारा हम लोग थोड़ा सा समझते हैं जो आपको समझाया था. अब हम 2s उसके बाद 2p ऑर्बिटल को देख लेते हैं. तो ये हमने आपको बताया था वेव फंक्शन, ये ज़ाई है, और ये भी बताया था कि आपका ज़ाई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी होती है. तो ज़ाई एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये यहां पे ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे जाके ऐसे मिल रहा है, लेकिन ज़ाई स्क्वायर कर देंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. तो उसका रीजन केवल इतना है कि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है. ये बीच में हमारा न्यूक्लियस है, यहां पे जो ब्लू कलर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है, और ये नोड्स बन गई, आपको दिखाया था ना जो दोनों के बीच की नोड है, मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है फाइंड करने. और ये सेकंड स्फीयर हो गया, और थर्ड, इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नियरली जीरो हो जाती है. तो ये 2s है. अब हम 2p के ऊपर देखते हैं कैसा है. ये 2p ऑर्बिटल है हमारा, अगेन ये जो है ज़ाई स्क्वायर है. ज़ाई अगर हम इसका लेंगे तो ज़ाई कुछ इस तरह से बना होगा, ये वेव होगी, ठीक है, प्लस माइनस, लेकिन ज़ाई स्क्वायर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वही प्रोबेबिलिटी आपकी दिखा रही है, और उसको मैच करेंगे तो ये देखिए आपका इससे मैच हो गया ऑर्बिटल. ये कभी भी जीरो पे जाता नहीं है, हरदम जीरो के बहुत पास रहेगा, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा. ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, और ये नोड हो गई हमारी दोनों के बीच में. इनफैक्ट कई लोग, हम लोग ऐसे बनाते हैं पी को, विच इज नॉट वेरी करेक्ट, क्योंकि यहां पे नोड दिख नहीं रही है. अगर बिल्कुल करेक्ट बनाना है तो आपको ऐसे और गैप देके ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में नोड होनी चाहिए, नोड जहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो. पर ठीक है, हम लोग को ड्रॉ करने के लिए ठीक है, लेकिन ये याद रखना चाहिए ये जो प्लेन है यहाँ पे, ये नोडल प्लेन, नोडल पॉइंट ये है और नोडल प्लेन ये है, इस तरह से. क्लियर, तो ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये इनके शेप्स हैं. अब क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर को आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाएं उस सब देखेगा, इसीलिए बताया था
ये नॉन डायरेक्शनल है 2s, जैसे कि ऑर्बिट होते हैं, लेकिन 2p पी डी एफ ये सब डिपेंड करेंगे आपके किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। तो ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसको पी वाई बोलेंगे, जो जेड एक्सिस के ऊपर है वो पी जेड हो जाएगा और जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पी एक्स हो जाएगा। तो ये तीन ऑर्बिटल है हमारे, लेकिन तीनों सेंटर से जुड़े हुए हैं न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इंपॉर्टेंट थिंग है तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही एटम से जुड़े हैं। तो अगर हम एक्चुअल देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। अगेन ये 2p है, इसके अंदर 2s होगा, उसके अंदर 1s होगा। तो अगर हम एक के ऊपर एक बिल्ड करते जाएंगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, इसीलिए हम इनको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करके आपको अलग अलग समझा रहे हैं। नेक्स्ट आ गया डी ऑर्बिटल। नाउ डी ऑर्बिटल में दो चीजें हैं, इसका शेप वो डंबल शेप था, ये डबल डंबल कहलाता है, ठीक है। इसमें डबल डंबल में डी एक्स वाई है, ये एक्स वाई प्लेन में होता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन आपका ये है जिसमें बना हुआ है, और ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर नहीं होता, ये ध्यान रखिए। मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें नोडल प्लेन हम निकालें तो एक्जेड नोडल प्लेन हो जाएगा और वाई जेड नोडल प्लेन, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर है वो नोडल प्लेन नहीं हो सकता। तो इसके लिए नोडल प्लेन एक्जेड एंड वाई जेड होते हैं। नोडल प्लेन्स क्या होते हैं, अभी बताया था आपको, वो प्लेन्स जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नेक्स्ट आ गया डी वाई जेड, ये भी डबल डबल शेप होता है, ये वाई जेड एक्सिस के ऊपर। तो इसमें जो नोडल प्लेन होंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे, एक्स, प्लीज अंडरस्टैंड, वाई जेड नहीं हो सकता है, राइट। तो एक्सजेड एंड जेड एक्स, ये दो आपके नोडल प्लेन। आप इसको यहां पॉज करके एक बार विजुलाइज करिए, देखिए कैसे नोडल प्लेन बन रहे हैं। नेक्स्ट आ गया एक्सजेड, ये एक्स और जेड एक्सिस पे है, या जेड वाई एक्सिस पे है, जेड एक्स एक्सिस पे है। तो जेड एक्स एक्सिस पे होने के मारे इसमें जो नोडल प्लेन बनेगा वो एक्स वाई और वाई जेड बनेगा। नेक्स्ट आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये भी डबल डंबल है, बट ये जो है एक्स और वाई एक्सिस पे भी है, बट दिस इज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इसी को अगर हम 45 डिग्री घुमा दें तो हमको ये मिल जाएगा, राइट। तो इसमें अब आप नोडल प्लेन कोई भी नहीं बता सकते, होगा लेकिन उसको नॉर्मल नहीं बता पाएंगे। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो फाइनली है जेड स्क्वायर, ये डबल डंबल नहीं होता, ये डंबल शेप और ये डोनट शेप, इन दोनों को मिला के बनता है, और ये जेड एक्सिस के ऊपर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होता है, जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के ऊपर। इन शेप को मैं इसलिए इतना बता रहा हूं क्योंकि खाली यही नहीं, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी आएंगे, प्लस आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं वो नोडल प्लेन्स के ऊपर आते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नोडल प्लेन कहाँ होगा, और वो जरूरी नहीं कि खाली ऑर्बिटल से ही पूछें, वो मॉलिक्यूल का भी नोडल प्लेन पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग और इसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, तभी हो पाएगा। चलिए अभी तक जो हमने किया था उसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, लेट अस सी आप लोगों को कितना समझ में आया कि नहीं आया। तो m इज इक्वल टू जीरो मतलब s ऑर्बिटल हो गया, यहां पे 1s 2s इसी तरह से आते चले जाएंगे।
राइट, इनका साइज बड़ा होता जा रहा है, बीच में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो नोडल एरियाज। नेक्स्ट आ गया एम की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, लेकिन एल की वैल्यू वन है, ये ध्यान देखिएगा, ये एल है, एल जीरो मीन्स एस, एल वन मतलब पी, और ये यहां पे ब्रेक हो गया, ये वैल्यू टू हो गई, और ये यहां ब्रेक हो गया, एल की वैल्यू थ्री हो गई। तो ये पहले एस ऑर्बिटल हो गया, ये तीनों आपके पी ऑर्बिटल हो गए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली वन में तो पी होता ही नहीं है, 2s, 2p, और अगर ये देखेंगे px, pz और ये py, ये तीनों होंगे। क्लियर? अगर n की वैल्यू 3 लेंगे तो p ऑर्बिटल थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपको दिखाई देगा, लेकिन वो वही z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस पे रहेगा। जितना ज्यादा हम बढ़ते जाएंगे यू कैन सी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते जाएंगे, लेकिन ये पी ही रहेगा आपका। नेक्स्ट आ गया आपका एल की वैल्यू टू, जिसको हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल। तो ऑब्वियसली टू में तो डी होता नहीं है, जैसे कि यहां पे पी नहीं होता है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड अलग अलग 3, 4, 5 के लिए, डी वाई जेड इनके लिए, और डी एक्स वाई इनके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो। तो ये पांचों अभी मैंने आपको डिटेल में करे थे, ठीक है, लेकिन अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो ये वही रहेंगे, लेकिन बीच में अगर देखेंगे आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ गया एल की वैल्यू 3, दैट इज एफ ऑर्बिटल, यहां पे एफ जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, एक्स जेड, ये आपके इतने हैं, अगेन इनके नाम आपको याद नहीं करने, ये याद करने, ये याद करने, ये नाम आपको नहीं याद करना, इनका स्ट्रक्चर भी आपको नहीं याद करना है, ये केवल आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए दे दिया है, क्या है कैसा नहीं है, लेकिन टू बी एग्जैक्ट अगर कोई पूछेगा तो आप क्लिक है, दीज आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आपके कोर्स के बियॉन्ड है। हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि थ्री में एफ नहीं होता है, यहाँ पे एफ होता ही नहीं, केवल फोर में होता है, होता तो फाइव में भी है, उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए यहाँ पे हमने बनाया नहीं। तो ये वही स्ट्रक्चर है, उनका ब्रीफ में हमने रिविजन कर दिया। क्लियर? तो एफ में आपको बना दिया है, ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एस पी डी के नाम एक्सेट्रा याद करने की जरूरत, और शेप भी और ओरिएंटेशन भी, एंड दैट आल्सो अप टिल 3, मतलब 4 एक्सेट्रा उतने कॉम्प्लिकेटेड में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आ गए नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पूरा समझा दिया आपको कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है ऑर्बिटल कैसे बना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे हमको रिएक्शन में क्या होगा, इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और वो अब हम यहां करेंगे। तो सबसे पहला है ऑफ पॉ प्रिंसिपल, तो नाउ लेट्स गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमको रिक्वायरमेंट थी वो बता दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कुछ लोग हैं जो रहने हैं घर में, अभी तक हमने क्या किया था, केवल घर बनाया था, घर का स्ट्रक्चर बना दिया, कितने फ्लोर होंगे, हर फ्लोर पे कितना कमरा होगा, कौन सा कमरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक कमरे में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। नाउ कौन आदमी किस कमरे में जाएगा, कैसे रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑफ पॉ प्रिंसिपल, ये बहुत सिंपल है कि लोएस्ट एनर्जी पहले भरेगी, ये हम लोग आपको अभी शुरू में ही बता चुके हैं कई बार, क्या लोअर एनर्जी इज मोर स्टेबल, तो हरदम लो एनर्जी में ही जरा जगह, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है, और पूरा थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जितना ज्यादा एनर्जी लो होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और हर चीज को, चाहे
वो कोई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पार्टिकल हो, चाहे बॉल्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो लो एनर्जी ही फेवर करती है। अब जो जनरल रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसको हमने आपको उस वक्त बताया था एन प्लस एल रूल। ओबो प्रिंसिपल क्या बताता है कि पहले लो फिर हाई, लेकिन किसकी एनर्जी लो है, किसकी एनर्जी हाई है, वो कौन बताएगा? एन प्लस एल। जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। बहुत सिंपल, कोई भी ऑर्बिटल दो ले लीजिए, उनमें एन प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अगर हमारे पास 2s है और 3s है, तो इसमें एन की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 0 2, ये 3 प्लस 0 3, तो एन प्लस एल इसका कम है, मतलब 2s की एनर्जी 3s से कम है, पहले भरेगी। अब हो सकता है कि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, तब क्या करेंगे, तब जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेट अस सी कैसे करेंगे। हमारे पास 3p और 4s ले लिया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, तो किसकी वैल्यू कम है, दोनों की वैल्यू बराबर है। अब क्या करेंगे, जिसमें n की वैल्यू कम हो, मतलब 3p की एनर्जी 4s से कम हो, सो 3p इज लेस देन 4s। तो इस तरह से हम सारे ऑर्बिटल्स 1s से लेके 7s तक जितने भी हैं, उस सबको हम क्लासिफाई कर लेंगे एनर्जी वाइज, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, हर में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये ध्यान रखिए, क्लियर। तो यही मैंने आपको ऑर्डर बना दिया, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3d के बाद 4p 5s 4d 5p इस तरह से ऑर्डर बनता चला। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, दो इसको याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेट्स सी कैसे करते हैं, ये इस डायग्राम से किया जाता है। आप ये बना दीजिए, 1s वाले सब एक साथ ऐसे लिख दीजिए, फिर p, फिर d, फिर f, और इस तरह से उसको करिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, तो क्या होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ये ऑर्डर बनता चला गया, और इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। अब आ गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर तीन क्वांटम नंबर सेम है तो चौथा डिफरेंट हो गई होगा, मैक्सिमम तीन सेम हो सकते हैं। इसको अगर हम लेमेंस टर्म में बोले कि एक ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एन एल एम सेम होते हैं, तो एस सेम नहीं हो सकता। वही हमने आपको बताया था कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती, और इन अदर वर्ड्स एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आ गया हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हमको एक ही एनर्जी लेवल पे भरना, अब ये 2p है, px py pz तीनों की एनर्जी सेम है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक्स पी वाई पी जेड एन प्लस एल वैल्यू सेम है, जिनकी एनर्जी सेम होती है इनको पहला वर्ड तो याद रख लीजिए, इनको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। अब इसमें अगर हमको बोरॉन भरना है 2p1, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर दिया।
कार्बन अगर भरना है जो 2p2 है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और फिर पेयर नहीं होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और खाली यही नहीं जाएगा, सेम स्पिन ऊपर ही एरो दिखाई दिया यहां पे, ये गलत हो जाएगा, इसको हम नहीं बना सकते, अंडरस्टूड, ये नहीं बनाया जाएगा, दोनों की स्पिन सेम होनी चाहिए। फिर नाइट्रोजन 2p3 तीन अलग अलग सेम स्पिन में चलेगा। फाइनली ऑक्सीजन 2p4, अब एक बार तीनों भर गए, इसके बाद 2p के बाद आता है 3s जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ऊपर नहीं जाएगा दूसरी एनर्जी पे, यहां पे ही पेयरिंग कर लेगा। सो दिस रूल इज कॉल्ड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ये जनरली डी में ही होता है, कभी कभी पी में भी होता है, एफ में बहुत होता है। ये क्या बोलता है कि जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इसके मारे कभी कभी वो ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करके अपने अंडर ले सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। मतलब क्या है कि डी के ऊपर कुछ था, 4 में था, 3d और 4s, तो 3d वाला 4s से वापस ले सकता है। एग्जाम्पल कॉपर 49, इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d9, लेकिन क्योंकि ये एक कम है तो ये क्या करेगा, s से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस तरह से अपने आप को 4s1 3d9। ठीक है, नोट्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कई बार। नेक्स्ट इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम, जो आपको बताया था जाई या जाई स्क्वायर, दिस बेसिकली द हमको सरफेस डायग्राम बन जाता है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, लेट्स से 90% अबव, बट ये परसेंटेज देना उतना सही नहीं है, जस्ट से इट इज वेरी हाई। अब आ गया नोड्स, नोड्स मैंने आपको बताई थी, नोड्स दो तरह की होती है, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स बेसिकली होती है जहां पे सरफेस स्फेरिकल होता है, ठीक है, और एंगुलर नोड्स होती है जो कि नॉन स्फेरिकल होती है। मतलब क्या है, एग्जांपल जो हमने आपको पहले दिखाया था 1s और 2s के बीच में स्फेरिकल सरफेस है वो रेडियल नोड कहलाएगा, लेकिन 2p के बीच में जो नोड है वो नॉन स्फेरिकल है तो वो एंगुलर नोड कहलाएगा। टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज n-l-1 और ये l है, तो टोटल नोड्स अगर हम करेंगे तो n-1। डीजनरेट ऑर्बिटल अभी आपको बताया था जिनकी एनर्जी सेम होती है। बिफोर वी फिनिश दिस चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो मैंने आपको ये कराया था कि मास अगर स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, बट ऐसा नहीं है, मास चेंज होता है, लेकिन जनरली ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है nearly 0.9% स्पीड ऑफ लाइट हो जाती, which is very high. But ये क्वेश्चन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लगाया जाता है। फ्रीक्वेंसी ये हम लोग कर चुके हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू फोटोन जो प्लैंक ने दिया था, ये हमने एनर्जी आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाली थी, अगर निकालना है तो डायरेक्ट, मतलब इसको हमने शॉर्टकट निकाल दिया आपका इसी इक्वेशन का, एच लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। प्रोवाइडेड लैम्डा को आप आर्मस्ट्रांग में लिखेंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी, उतना ध्यान रखिएगा, तो ब्लाइंडली शॉर्टकट नहीं लगाइएगा कभी। बोर ने क्या बताया था, mvr इज इक्वल टू nh / 2 पाई, ये rn निकाला था, r1 हाइड्रोजन इतना होता है, ये हमने rn किया था, rz किया था, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट
वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है, वेलोसिटी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी होती है, विच इज वेरी हाई. अगर आप देखें 10^8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज वेरी हाई वेलोसिटी. ये वही हमने सोडा और डोसा जो आपका किया था, un इज un बाय n, uz इज uz बाय z. ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये हमने इस तरह से लगाया था, और एनर्जी -13.6 फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के निकलती. लेकिन अगर डिफरेंट ऑर्बिट में लगाना है, en e1 अपॉन n स्क्वायर, ez इनटू z स्क्वायर, और ये बेसिकली हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए किया था. और ये अगेन शॉर्टकट हो गया यहां पे. लेकिन अगर 911 लिख देंगे तो हम स्ट्रॉन्ग में ही आंसर निकलेगा आपका. ये मोसलेज लॉ जिसमें हमने किया था, एवरेज एटॉमिक वेट, काइनेटिक एनर्जी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, अनसर्टेनिटी, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एंगुलर मोमेंटम. अब यहां पे याद रखिएगा, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले से दिखाएंगे, और ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम mvr होता है जो अभी लिखाया था, दैट इज nh अपॉन 2π. ये ऑर्बिट का है, ये ऑर्बिटल का है, दोनों में अलग होता है. मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू एन प्लस 2, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन. रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1, एंगुलर l, टोटल n माइनस. टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये मैथमेटिक्स से निकलेगा. अगर हम 3 से 2 पे आ रहे हैं तो केवल एक ही बन सकती है, 6 से 1 पे आ रहे हैं हरदम 1 ही जाना है हमको, तो 6 × 5/2 15 लाइंस. ये अगेन मैथ्स है आपको सिंपल. चलिए चैप्टर को हम यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे.